हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूँ कि पिछले 4 दिनों का जो वीडियो नहीं आया था करंट अफेयर्स का, उसका कंबाइंड एक वीडियो मैंने बना दिया है, इससे पहले अपलोड हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो भी ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है? आंसर होगा चीन। ओके, चीन इसका आंसर है। देखिए, इसको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि S-400 जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। रूस ने चीन को इस S-400 मिसाइल सिस्टम की एक खेप, यानी पहला बैच वो पहुंचा चुका है, चीन को दे चुका है। तो अब दूसरी खेप जो है वो चीन को मिलनी थी, और इसे ऑपरेट करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए चीन ने अपने सैनिकों को रूस भेज दिया था। तो लेकिन अचानक जो है वो रूस ने जो है रोक दिए, और न सिर्फ डिलीवरी सस्पेंड किया है बल्कि उसने चीन को यह भी नहीं बताया है कि अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे कब दिया जाएगा। ओके, अच्छा, भारत को ये मिलना है 2021 के आखिरी तक, यानी अगले साल के आखिरी तक ये सिस्टम भारत को मिल जाएगा। और ख़ास बात है कि रूस ने चीन की तो डिलीवरी रोक दी है, लेकिन भारत को कहा है कि जो अदर मिसाइल है, बम है, वो सब जरूर देगा, भारत को नहीं रोकेगा। तो यह सवाल उठता है कि रूस ने क्यों रोकी S-400 की डिलीवरी चाइना को। दरअसल ये इंटरनेशनल मामला है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके तमाम एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, क्या है कि रूस और चीन के बीच में रिश्ते में अब खटास आ गई है। क्या मामला है? मामला है जासूसी का। देखिए, रूस ने अभी हाल ही में उसका एक संस्थान है सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंस एकेडमी, तो उसके प्रेसिडेंट विलेरी मिटको को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने चीन को, यानी चीनी जासूसों को, बेहद संवेदनशील जो सैन्य जानकारियाँ हैं वो दिए और बदले में पैसे लिए। और वेलेरी के साथ साथ 3 और उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, उसमें 2 चीनी नागरिक हैं। तो इसके बाद से दोनों देशों के बीच में रिश्ते में टेंशन आ गया। मतलब ये हुआ कि रूस ने चीन पर एक तरह से जासूसी और खुफिया दस्तावेज के चोरी करने का आरोप लगाया है। डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन ये एक तरह से डिप्लोमेटिकली ये बातचीत चल रही है, और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मतलब एक तरफ से दोस्ती हो रही है, दूसरी तरफ से छूरा भोंका जा रहा है चीन के द्वारा। ओके, एक तो ये मामला है। दूसरा मामला क्या है, क्या वजह दूसरी? देखिए, चीन ने LAC पर, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर अभी भी फौज तैनात की हुई है। कुछ भारतीय इलाके में चीनी सेना अभी भी घुसी हुई है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, जैसे पैंगोंग त्सो लेक, डेप्सांग प्लेन्स। हालांकि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं कि कोई आया है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये साफ बताया जा रहा है लगातार। ओके, तो ऐसे में रूस ने क्या किया था, चीन पर दबाव डाला था कि सेना वो पीछे कर ले, लेकिन रूस के दबाव काम नहीं कर पाया, और चीन ने ऐसा करके दिखाया कि वो रूस के दबाव में आने वाला नहीं है। ऐसे में रूस के लिए ये अच्छा मैसेज नहीं गया। रूस भी सुपर पावर दिखना चाहता है, लेकिन उसका प्रयास जो है ये एक तरह से विफल हो गया। चीन भी कहता है कि नहीं, मैं सुपर पावर हूँ एक तरह से। ओके, तो हालांकि चीन ने ये कहा है कि अभी महामारी है और ऐसे वक्त में S-400 की डिलीवरी जो है वो रोकी गई है रूस के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। S-400 के बारे में मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें बहुत शक्तिशाली मिसाइल है, रडार है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सब मिलकर एक एयर डिफेंस सिस्टम बनता है। और ये 400 किलोमीटर के दायरे में जो आने वाली मिसाइल है और 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान है उनको पल भर में नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। अभी दुनिया में चीन और तुर्की ने जो है इस मिसाइल सिस्टम को ख़रीदा हुआ है रूस से। ओके, इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 29 जुलाई। ओके, आज ही के दिन ओके ये दिवस मनाया जाता है। तो इससे एक दिन पहले, यानी 28 जुलाई को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघों की गणना का एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की,
टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। ओके, ये हर चार साल पर ये सेंसस होता है एक तरह से, मतलब गणना होती है बाघों की। तो ये जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आई है अब, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018। देखिए पिछले साल यानी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी रिपोर्ट की शॉर्ट रिपोर्ट एक जारी की थी, एस्टिमेशन रिपोर्ट कहते हैं उसको, डिटेल रिपोर्ट नहीं थी। तो अब प्रकाश जावड़ेकर ने पूरी रिपोर्ट जारी की है। ओके, तो इसी से रिलेटेड अगले दो तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होता है। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ भारत में हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है, मंत्री ने। आंसर होगा 70%। दुनिया के 70% जो बाघ हैं, टाइगर हैं, वो इंडिया में हैं। ये काफ़ी गर्व वाली बात भी है। ओके, देखिए भारत में जो है वो बाघों के पोषण की दिशा में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। दुनिया में टोटल 13 जो है टाइगर रेंज नेशन, मतलब जो वहाँ टाइगर हैं, बाघ हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ओके, 13वां इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा 70% बाघ हैं। ओके, तो प्रकाश जावड़ेकर ने यह ऐलान किया, रिपोर्ट जारी की है। तो उनके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ये सब मंत्रालय उनके पास है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? इसका आंसर होगा 2967। ओके, ये अनुमानित है, मतलब एस्टिमेटेड है ये आंकड़ा। ओके, सरकार का ये अनुमान है कि 2967 बाघ हैं, 2967। हालांकि उसने एक एस्टिमेट ये भी दिया है कि 2603 से लेकर 3346 बाघ हो सकते हैं। ओके, अच्छा आप सोच रहे होंगे 2018 की ये रिपोर्ट है, तो हाँ 2018 में गणना हुई थी और अब फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ओके, हर चार साल पर बाघों की गणना होती है। तो इससे पहले 2014 में जो गणना हुई थी तो उसमें 2226 थे बाघ भारत में। उससे पहले 2010 में गणना हुई थी, कैलकुलेशन हुआ था तो 1706 थे। उससे पहले 2006 में हुआ था तो 1411 बाघ थे। ओके, अच्छा प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी कहा है, मंत्री ने, कि देश में लगभग 30,000 हाथी हैं और 500 शेर हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश में 526 बाघ बताए गए हैं, अनुमानित संख्या ये हमेशा बताई जाती है, एग्जैक्ट नहीं बताई जाती क्योंकि जो उसकी गिनती करने में कई बार गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, तो एक अनुमान लगाया जाता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि बाघों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया मनुष्यों की तरह कि हाँ भाई बताओ कितने, नाम क्या है वगैरह वगैरह। तो उनके पैरों के चिन्ह, इसके अलावा जो उसके मल हैं, उन सब को देखते हुए, उनके DNA टेस्ट करते हुए, और तब ये पता लगाया जाता है कि कितने बाघ हैं, इसलिए ये अनुमानित होता है। ओके, तो 526 मध्य प्रदेश में है, सेकेंड स्थान है कर्नाटका का 524, तीसरे पर है उत्तराखंड 442, चौथे पर महाराष्ट्र 312 बाघ हैं, उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं, तमिलनाडु में 264 बाघ हैं, असम में 190, केरला में भी 190, राजस्थान में 69, आंध्र प्रदेश में 48, बिहार में 31, अरुणाचल प्रदेश में 29, ओडिशा में 28, तेलंगाना में 26, छत्तीसगढ़ में 19, झारखंड में 5 और गोवा में 3 है। अच्छा, ये रिपोर्ट है जो बाघों की जो गणना है, ये जो सेंचुरी है जहां बाघ जो खुले में विचरण करते हैं, रहते हैं, उनकी भी है, और जू में जो बाघ रखे हुए हैं उन सब का मिला जुला ये रिपोर्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी टू जुलाई तक का अवेलेबल है, विद नोट्स है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे, नोट्स काम आएगा UPSC वालों के लिए, इसके अलावा स्टेट PSC वालों के लिए और तमाम एग्जामिनेशन वालों के लिए।
और जो एमसीक्यू है वो हर एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो आप ज़रूर देखना, अगर आपने नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2019 का भी है पीडीएफ अवेलेबल पूरा नोट्स के साथ, और उसका बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर चालू हुआ है, कहाँ पर वो चालू हो चुका है? आंसर होगा इसका काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ओके, काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 3, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है। ओके, सबसे ज़्यादा स्वदेशी, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला स्वदेशी ये परमाणु संयंत्र है। ये कहाँ पर है? तो गुजरात के तापी जिले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके सफल संचालन के लिए एटॉमिक साइंटिस्ट को, भारत के जो हैं उन सबको बधाई भी दी है ट्वीट करके। ओके, अच्छा, जब आप इसका न्यूज़ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि काकरापार एटॉमिक प्लांट 3 जो है क्रिटिकलिटी हो गया है, क्रिटिकलिटी हो गया। ओके, देखिए पीएम ने भी लिखा अपने ट्वीट में यहाँ पर क्रिटिकलिटी। तो ये क्रिटिकलिटी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि कोई समस्या आ गई है। यहाँ क्रिटिकलिटी का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो चुका है, फ्यूजन शुरू हो चुका है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट हो रही है। ओके, तो ये जो रिएक्टर है वो भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद ही डिज़ाइन किया है। क्षमता 700 मेगावाट है जैसा मैंने पहले बताया। और इससे पहले जो इंडियन डिज़ाइन के एटॉमिक रिएक्टर लगाए गए थे वो सब छोटे थे, लेकिन अब हम 700 मेगावाट के न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हम अच्छी स्थिति में है, और दूसरे देश में भी एटॉमिक पावर प्लांट जो है इंडिया के साइंटिस्ट जाकर वहाँ स्थापित कर सकते हैं। ओके, एक तरह से बिजनेस भी हो सकता है। तो ये कहाँ पर है एक बार दिखा देता हूँ मैं। मैप में देखिए, मेरे बगल में आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं। तो अब चलते हैं, इंडिया सामने दिख रहा है प्यारा भारत, और गुजरात चलते हैं। गुजरात में सूरत के पास तापी जिला है, वहाँ पर काकरापार एटॉमिक प्लांट है, हम देख रहे हैं आप। ओके, यहाँ पर पहले से 2 रिएक्टर ऑपरेशनल हैं उस तरफ के। ओके, और बाकी और भी बन रहे हैं, तो तीसरा जो है वो अब चालू हो चुका है। ओके, और इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो पहले वाला जो है, जो 2 चल रहा है, वो पुराने रिएक्टर हैं, वो 220 मेगावाट ईच हैं, 220 मेगावाट के कम उत्पादन करते हैं। 1990 में स्थापित हुआ था, लेकिन अब जो बन रहा है तीसरा जो चालू हुआ है रिएक्टर, वो 700 मेगावाट का है। वहीं पर चौथा रिएक्टर भी बन रहा है और उसकी भी कैपेसिटी जो है 700 मेगावाट होगी। ओके, और ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। ओके, ये भी पूछा सकता है कि कौन सा रिएक्टर है, तो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। हेवी वाटर को हम लोग कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं, और इसे साइंटिफिक वे में कहें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं उसको, वो होता है हेवी वाटर। और यूरेनियम तो हम लोग खुद ही इनरिच करते हैं देश में ही, तो उसी से ये रिएक्टर चलता है। ओके, और देश में सबसे बड़ा ये स्वदेशी परमाणु प्लांट है। देखिए वैसे तो देश में अलग अलग जगह पर परमाणु प्लांट हैं, जैसे कि तमिलनाडु के कुडनकुलम में जो एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो है, उसका 1000 मेगावाट कैपेसिटी है। लेकिन ये जो वहाँ की वो रूसी तकनीक है, रशियन है, लेकिन अब इंडिया ने ये बना लिया है, तो ये बहुत सस्ता बना और एक तरह से जो विदेशी मुद्रा है वो भी बच रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार के परीक्षण का आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के लिए खतरा बताया है? एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक घटना है अंतरिक्ष की। इसका आंसर होगा रूस। रूस पर यह आरोप है, अमेरिकी सेना के जो स्पेस, अमेरिकी सेना का जो स्पेस कमान है उसके जो जनरल हैं जॉन जे रेमंड, तो उन्होंने ही ये कहा है। उनका कहना है कि अंतरिक्ष में जो चक्कर लगा रहे हैं रूस के सैटेलाइट, उसका नाम है कॉस्मॉस 2542, तो उस पर 15 जुलाई को उसके ही अपने सैटेलाइट कॉस्मॉस 2543 ने मिसाइल हमला किया। मतलब वो जो मिलिट्री सैटेलाइट है वहाँ आसमान में चक्कर काट रहा है, और एक सैटेलाइट से मिसाइल निकलकर दूसरे सैटेलाइट को हिट किया उसने और उसको तबाह किया। ओके, तो एक तरह से इसको जो है तैयारी के रूप में भी देखा जा सकता है। ओके, तो अभी ये मामला है, और अमेरिका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई है।
और मीडिया रिपोर्ट में यह भी है कि रूस के इस कदम से ब्रिटेन और जापान की भी टेंशन बढ़ गई है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट मामला है और एक तरह से ये स्पेस वॉर की रूप में की तैयारी के रूप में हम लोग देख रहे हैं, स्पेस वॉर की तैयारी के रूप में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को अदालत ने घोटाले के मामले में 12 साल जेल की सज़ा सुनाई है? इसका आंसर होगा मलेशिया। 28 जुलाई को ही यानी कल ही अदालत ने यह फैसला सुनाया है और उन पर तकरीबन जो है 370 करोड़ रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है, मतलब रिंगिट में जुर्माना किया गया 210 मिलियन रिंगिट का, लेकिन अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो 370 करोड़ रुपए का जुर्माना एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, नजीब रजाक पर 1MDB घोटाले का आरोप है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वहाँ पर MDB, तो उसी में घोटाले का आरोप है। उन पर 4.2 करोड़ रिंगित यानी 98 लाख डॉलर की राशि जो है वो अपने बैंक खाते में रखने का उन पर आरोप था, एक तरह से घूस के तौर पर ये माना जा रहा था। ओके, तो ये मामला था और मलेशिया में वो पहले ऐसे नेता हैं जो किसी घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। कैपिटल कहाँ क्या है उसका कैपिटल, तो कुआलालंपुर। ओके, प्रधानमंत्री कौन है इस वक्त, मुहिउद्दीन यासीन। ओके, और मुद्रा क्या है, करेंसी रिंगित। अगला क्वेश्चन, RBI ने श्रीलंका के साथ कितनी रकम के मुद्रा अदला बदली यानी करेंसी स्वैपिंग के समझौते पर सिग्नेचर किया है अभी हाल ही में? आंसर होगा इसका 40 करोड़ डॉलर यानी 400 मिलियन डॉलर। ओके, देखिए, करेंसी अदला बदली स्वैपिंग की व्यवस्था जो है नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी और श्रीलंका में जो इंडियन हाई कमीशन है, भारतीय उच्चायोग, तो उसी ने ये जानकारी दी है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि करेंसी स्वैपिंग होती क्या है, करेंसी की अदला बदली। देखिए, दरअसल दुनिया भर में जो इंटरनेशनल जो बिजनेस है वो डॉलर में होते हैं, हम जो भी सामान विदेश से खरीदते हैं या बेचते हैं वो डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। ओके, अगर हमने ज़्यादा कुछ खरीदारी कर ली तो हमें ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो रुपया है वो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है और डॉलर की कीमत एक तरह से बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे में क्या है, एक तरह से दिक्कत होती है उतार चढ़ाव से, इस उतार चढ़ाव से डॉलर अगर महंगा हो गया तो हमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है ऐसे में, तो इसके लिए RBI को जो डॉलर खरीदना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। ओके, जब भी हम कोई सामान बाहर से मंगवा रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम तो रुपए में पेमेंट कर रहे हैं लेकिन RBI उसको कन्वर्ट करके डॉलर दे रहा है उस देश को। ओके, तो ऐसे में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैपिंग का समझौता किया है और अलग अलग देशों के साथ ये चल रहा है। तो इसके तहत तो होता ये है कि दो देशों के बीच में जो खरीद बिक्री है तो वो उन्हीं की करेंसी में होगी। जैसे अगर श्रीलंका हमसे कोई सामान खरीद रहा है तो हम उसे इंडियन रुपी देंगे और अगर श्रीलंका हमसे कोई सामान ले रहा है तो वो हमें श्रीलंकन रुपी में देगा। ओके, ट्रांजेक्शन इस तरह से होगा। तो इस कन्वर्जन के वक्त भारतीय मुद्रा और श्रीलंकन मुद्रा के बीच होगा ये कन्वर्जन। ओके, तो ऐसे में जो उस वक्त का जो विनिमय दर है, कन्वर्जन रेट है, उसी के अनुसार दोनों देश की जो केंद्रीय बैंक है वो कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके बीच में डॉलर नहीं आएगा। ओके, हालांकि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको डॉलर में दिख रहा होगा 40 करोड़ डॉलर, तो एक जो है एस्टिमेट बना लिया गया है कि हाँ 40 करोड़ डॉलर तक का हम करेंगे, उसका जो भी कन्वर्जन रेट होगा उसके अनुसार हम करेंसी स्वैपिंग कर लेंगे। ओके, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो करेंसी है उसकी स्थिरता रहती है, वो अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा नहीं होता है और एक तरह से बिजनेस में फ़ायदा करता है। ओके, और श्रीलंका की बात कर लें, राजधानी क्या है, श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री कौन है, उन्हीं के भाई है महिंदा राजपक्षे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्ट्रेस है कुमकुम, तो उनका 28 जुलाई 2020 को निधन हो गया, तो किस बीमारी से जूझ रही थी? आंसर होगा कोविड-19। ओके, वो 86 ईयर की थी और लंबे समय से बीमार भी चल रही थी, तो अब उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत सारी पिक्चर की जैसे प्यासा, मदर इंडिया, आर पार, CID, जैसे बहुत सारी मशहूर फिल्में थी काफ़ी पुराने वक्त में, तो उस समय की फिल्म थी और काफ़ी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ओके, उनका जन्म हुआ था बिहार के हुसैनाबाद में, असली नाम था उनका
जैबू निशा, ओके, उन्होंने भोजपुरी फिल्म में भी काम किया था, ओके। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, कैसा लगा ज़रूर बताना। और आपको फिर से बता दूँ कि इस साल का यानी जनवरी टू जुलाई तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF विद नोट्स, आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिन लोगों ने पहले से लिया हुआ है वो फ्री में ले सकते हैं दिसंबर 2020 तक, मामूली सी रकम है, आपको चुकानी होगी। और जिन लोगों ने पहले चुकाया हुआ है वो तो दिसंबर तक फ्री लेंगे ही, ओके। 2019 का भी करंट अफेयर्स है PDF अवेलेबल है, और बुक भी अवेलेबल है 2019 का अमेजन पे, वहाँ से भी आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और हाँ, अभी जो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स, उसका फ्री PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा। आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलता रहे। और पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को।